समाज का एक प्रतिष्ठित भवन। आज खड़े हैं हम कसरावत के जय गजानन रिसोर्ट के बाहर। समाज लोगों ने, स्वजनों ने मिलके डॉक्टर वाई के शर्मा जी का स्वप्न पूरा किया, एक समाज को शानदार भवन की सौगात दी। मिलते हैं हम यहाँ इकाई के अध्यक्ष नवीन जोशी जी के साथ, आज इस भवन का अवलोकन करेंगे समाज के लिए। और मैं निवेदन भी करूँगा कि कोई अगर डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहे तो ज़रूर यहाँ आए। मिलते हैं भवन के मुख्य ट्रस्टी गाँव शिंदे जी से। गाँव शिंदे जी, बताएं इसकी योजना, परिकल्पना, स्वप्न कैसे, किसने रखा और किसने साकार करने के लिए प्रयास किए? सभी को नर्मदे हर। और इस भवन के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारी नारदी ब्राह्मण समाज की कसरावत इकाई ने इस भवन को बनाने का बीड़ा उठाया। तो हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई दिग्तेज जी शर्मा के कार्यकाल में और महासभा संरक्षक, हमारी इकाई के संरक्षक राजेश जी बड़ोले, भाई नवीन जी जोशी, अश्विन जी जोशी, इनके संरक्षण में अरुण जी सोहनी, हम लोगों ने इस भवन के लिए 1 एकड़ 13 डिसमिल ज़मीन खरीदी। उसके बाद में हम लोगों ने निश्चय किया इस भवन को बनाने के लिए, तो हमने कसरावत तहसील के जो 221 ट्रस्टी बनाना थे वो हमने बनाए। और 221 ट्रस्टी से हमने 11,000 रुपए की राशि एकत्रित करके करीब 24 लाख में यह ज़मीन हमने खरीदी। तो अभी हम खड़े हैं मेन गेट पे जय गजानन रिसोर्ट के, यहीं से अंदर एंट्री होती है जी। और कैसा बना है ये भवन, कितने रूम्स हैं, क्या हॉल है, क्या व्यवस्था है जी? ये क्या सामने पार्किंग लॉबी है? ये सामने एक्चुअल में रिसेप्शन शादियों के जितने होते हैं यहाँ पर करते हैं हम। सामने स्टेज बना हुआ है हमारा और उसके ही पास में माता नर्मदा माता का मंदिर हमने बना के रखा है। माँ रेवा का, जो कि हमारी पूजनीय माता है, जिनकी हम संतान कहलाते हैं, माँ रेवा का मंदिर हमने बनाया है। माँ नर्मदा। तो ये टोटल 1.25 एकड़ ज़मीन में बना हुआ रिसॉर्ट है जी। हाँ, जय गजानन रिसॉर्ट। और करीब कितने रूम्स हैं इसमें? 40 रूम है इसमें। इसमें करीब 20 रूम एसी है और 20 रूम जो है नॉन एसी है। इसमें एक हमारे 85x100 का एक सेंट्रल हॉल बना हुआ है, मुख्य सभागृह, जो रिसेप्शन शादी वगैरह के लिए। और किचन के पास में जो प्री वेडिंग हॉल जिसको बोल सकते हैं, वो हमारा यहाँ पर बना हुआ है। मतलब हॉल सबसे बड़ा है जिसमें करीब 500 लोगों का कार्यक्रम बहुत आसानी से हो सकता है। 500 से करीब सभी हमारा आज जो प्रोग्राम चल रहा है, हमने करीब 800 व्यक्ति इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। इस तरह की हमारे मेन हॉल में व्यवस्था है। यहाँ पर तरह की सुविधाएं हमने अन्य जगहों से मिलकर, सारे जगहों से देख कर कहाँ किन भवनों में समाज के क्या क्या कमियाँ हैं, उन कमियों को यहाँ पर हमने पूरा करने का प्रयास किया हुआ है। तो आपने तो जो देखी है वो सब धर्मशालाएं थी, ये तो रिसोर्ट हो गया। रिसोर्ट और भव्य हमारे समाज की। रिसोर्ट नाम देने के पीछे क्या लॉजिक है? रिसोर्ट नाम की हमारे यहाँ पर इसमें कोई भी ऐसी चीज़ आपको जो रिसोर्ट में, मतलब सुविधा के लिए जो होना चाहिए, आपको बड़े हॉल चाहिए, एसी रूम चाहिए, आप लोगों को, हमको जो बुज़ुर्ग हैं जो चल नहीं पाते उनके लिए अगर ऊपर जाने के लिए लिफ्ट चाहिए, वो सारी सुविधा हमने इसमें दे रखी है कि कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति जो है हमारे समाज के बुज़ुर्ग हैं, उन लोगों को भी ऊपर जाने में, रूम में जाने में, रहने में कोई दिक्कत नहीं हो। रिसोर्ट का नाम देने का पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहा था कि हम लोग चाहते थे कि धर्मशाला के नाम से एक अच्छा, लोग उस पर जाते कि भाई धर्मशाला में एक सामान्य प्रकार की सुविधाएं होती है, नल है, बिजली है, परंतु हम चाहते थे कि ऐसा भव्य लुक दिया जाए, उसमें एसी रूम दिए जाए, एसी हॉल दिए जाए, ताकि लोगों को आकर्षण लगे। तो रिसोर्ट नाम से एक आकर्षण पैदा हुआ, जिसके कारण से ये समान मकान भव्य रिसोर्ट बना, इसका नाम दिया गया। इसका ब्राह्मण समाज का इसका मुख्य प्रवेश द्वार है और सामने ही बालीपुर बाजार के अंदर प्रवेश करते हैं। बोल बालीपुर सरकार की जय। जय बालीपुर वाले बाबा की जय। उसके बाद जस्ट जो हमारे
दही हो रहे, ये कम्युनिटी हॉल है, यहाँ पर बैठकर बैठक होती है। उसके बाद जो दक्षिण हमारा उत्तर तरफ का हिस्सा है, ये कम्युनिटी हॉल है और यहाँ पर समाज की और सभी आवश्यक प्रकार की बैठकें होती है और सारी योजनाएं यहाँ पर हम बैठ करके बनाते हैं। सामने ही जो हॉल जिसकी हमने बाहर चर्चा की थी वो हॉल है। ये हॉल पूर्णतया वातानुकूलित है और इसके अंदर इसके दो प्रमुख द्वारों पे दोनों कांच के दरवाजे हैं, पूरा ठंडा रहता है ये। और साथ ही लिफ्ट रूम बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ से लिफ्ट है जो ऊपर की ओर जाती है। इस तरफ भी तीन चार रूम बने हुए हैं, इनमें वधु पक्ष को अलग दिया जाता है, वर पक्ष को दिया जाता है। एक माता जो ब्राह्मण समाज की कुल देवी का पूजन का जो प्रथा होती है उसका निर्वहन करने के लिए एक माता का रूम बनाया गया है, जिसको आप देखेंगे कि बाकायदा उसमें माता के स्थान वगैरह सब पूरे लगे हुए हैं। हम मुख्य द्वितीय हाल के अंतर्गत आते हैं। इस द्वितीय हाल के अंतर्गत ये देख रहे हैं आप काफ़ी लंबा चौड़ा है और इस लंबे चौड़े हॉल में भोजन की रिसेप्शन की व्यवस्था होती है। और यदि ज़्यादा लोगों और जो लोग एसी का हॉल अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए हॉल रहता है, यहाँ पर अपनी सभा कर सकते हैं, हम सभा कर सकते हैं, सभागृह इसको कह सकते हैं, सभागृह भी कह सकते हैं इसको। इस तस्तियों के अलावा इस भवन को निर्माण करने में मुख्य योगदान जो हम कह सकते हैं हमारे समाज के डॉक्टर वाई के शर्मा का, उनका योगदान भी रहा है काफ़ी, और हमारे राज्य की बड़ोल है, हमारे जो 11 जो इसके फाउंडर मेंबर हैं उन लोगों ने इसके लिए काफ़ी दिन रात मेहनत की। गांव गाँव में समाजजनों से एक सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमको समाज से इतना बढ़िया प्रतिसाद मिला है इस भवन को बनाने के लिए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जितना चाहा उतना धन हमें समाज ने दिया, इसके लिए तो हम समाज के भी हमेशा नतमस्तक रहेंगे। हमारे युवा इकाई के अध्यक्ष भाई रोहित शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। रोहित भाई, युवाओं के साथ मिलकर आप क्या प्रयास करना चाहते हैं इस भवन के लिए? भवन को लेके के साथ हम समाज को लेके भी कुछ काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने 18 सितंबर को एक व्यापार के लिए एक आयोजन किया था जिसमें हमने मंत्री महोदय व्यापार उद्योग विभाग को बुलाया था और एक भव्य कार्यक्रम किया था। और हम धार्मिक आयोजन भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास एक भवन इतना बड़ा है जो हमें मतलब उस चीज़ की निश्चिंता ख़त्म कर देता है कि हम कार्यक्रम कहाँ करें। तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक कसरा जगह में एक भवन है, उसके लिए हम उनको निश्चिंत रहते हैं। उसके बाद में हमारे सभी अध्यक्ष महोदय और सारे लोग हमको सपोर्ट करते थे, हम कहते हैं कि युवाओं के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं और निकट भविष्य में भी हमारी एक बहुत बड़े आयोजन की प्लानिंग चल रही है, उसमें जैसे ही आएगा आपको हम बिल्कुल उससे अवगत करवाएंगे ताकि युवाओं को उसका फ़ायदा जल्द मिले। सितंबर को रखा है हमने। ये यहाँ का किचन एरिया है, ये यहाँ का किचन एरिया है, अभी भी बना सकते हैं। बड़ा स्टैंड, बड़ी बड़ी सी रैक्स और एक बड़ा हॉल किचन के लिए, बहुत बढ़िया, अच्छी सुविधा। ठंडे पानी के लिए भी वाटर कूलर वगैरह अंदर लगा हुआ है हमारा। और ये जो है ये वॉश एरिया, ये हमारा पीछे पूरा वॉश एरिया है, ये वॉश एरिया है। इधर गर्म पानी के लिए हमने ऑटोमेटिक लगा के रखा है प्लांट गैस गीजर। अच्छा, सारे रूम्स में, सारे रूम्स में गैस गीजर की व्यवस्था है, गर्म पानी की व्यवस्था है। बहुत बढ़िया। एक भव्य भवन समाज का, जय गजानन रिसोर्ट। स्वजनों से निवेदन है अगर कोई डेस्टिनेशन वेडिंग चाहता है तो बढ़िया हिल स्टेशन है, पास में पहाड़ियां हैं, बाजू में खेत लगे हुए हैं, हरियाली है और केले की खेती भी है। आप आएँ यहां पर अगर डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है तो ज़रूर जय गजानन रिसोर्ट में आएँ। बहुत सुंदर और अकल्पनीय भवन है। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि भाजी ऑर्डर करें।